वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार का कहना है कि नागहानी और कुदरती आफात से निपटने के लिए आवाम में आगाही बहुत जरूरी है। पेश की इकदाम से कुदरती आफात के नुकसान को कम किया जा सकता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कुदरती आफात से आगाही और बचाव के कौमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि 8 अक्टूबर 2005 को आने वाला जलजला पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन जलजला था। 15 साल बाद भी इस बदतरीन जलजले की तबाही को लोग नहीं भूल सके। जलजले में जहां बहक अफराद के अहले खाना के साथ आज भी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हैं। जलजले के बाद पाकिस्तानी कौम ने मुतासरीन की भरपूर मदद और दिलजोई की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि आजमाइश की हर घड़ी में हम एक हैं। जलजले और सैलाब जैसी कुदरती आफात हमें अपने अतवार पर गौर व फिक्र पर मायल करती हैं। कौम ने जलजले से मुतासरा भाइयों के खुली दिल से मदद करके ईसार व कुर्बानी की मिसाल कायम की। पंजाब में कुदरती आफात से निपटने के लिए मुतालिका इदारों को जदीद तरबियत और टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रेस्क्यू 1122 को जदीद तकाजों से हम आहंग किया गया है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि किसी भी कुदरती आफत की सूरत में मौसर रिस्पांस मैकेनिज्म जरूरी है। तरबियत याफ्ता ह्यूमन रिसोर्सेज डिजास्टर मैनेजमेंट में मौसर किरदार अदा करती है। ये दिन मनाने का मकसद आवाम को एहतियाती तदाबीर और बचाव के तरीकेकार से आगाह करना है।